वही मोदी बन रहा है और क्यों मोदी मोदी बन रहा है होगी मोदी मोदी एक बार फिर मोदी 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 क्यों बनेंगे मोदी मोदी काम अच्छा कर रहे हैं जी जी मोदी जी जी इतने दावे के साथ 100% ऐसा दिन रात मेहनत 100% यहाँ तो मोदी जी की हवा है मोदी 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 बने अच्छा क्यों उन्होंने सब काम अच्छे किए मोदी मोदी क्यों मोदी है नमस्कार स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार हम तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वो दरअसल कवर कर रहे हैं, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में कौन जीत का सहरा जो है किसके सिर बनने वाला है। तो फिलहाल हम फिरोजाबाद लोकसभा सीट के सिकोहाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिकोहाबाद की जनता से ही जानेंगे कि उनका चुनावी मूड क्या कहता है। अगर राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि चंद्रसेन जो जादौन हैं वो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट से, वहीं अक्षय यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनावी मैदान में पिछली बार भी थे और इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोला है अभी तक किसको वो टिकट देगी। लेकिन जनता से यहाँ की जानेंगे कि आखिर जो सिकोहाबाद का मूड है वो क्या कहता है फिरोजाबाद लोकसभा सीट को लेकर, एक एक लोगों से जो है यहाँ पर राय लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रामू। रामू जी यहीं रहते हैं आप? सिरसागंज। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है, पता है चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी। एक बार फिर मोदी? मोदी मोदी। क्यों बनेंगे मोदी? मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छे क्या काम किए? अच्छे काम कर रहे हैं, राशन वगैरह कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं है, सब अच्छा है, सब बढ़िया। ये बताइए कि फिरोजाबाद से कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी? बीजेपी। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। तमाम जनता से हम राय ले रहे हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ से उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विपुल जैन। अच्छा जैन जी, बताइए कि लोकसभा का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री ये तो जनता के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर। आप भी तो उसी जनता का हिस्सा है सर, एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं पूरे गठबंधन के साथ, कौन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यहाँ तो मोदी जी की हवा है। मोदी जी की हवा है, क्यों लगता है कि मोदी जी की हवा है? लगता नहीं है, वो तो आप सभी लोगों का उन्हीं के साथ समर्थन है। अच्छा। सर ये समर्थन आप कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ है, क्या काम अच्छे किए हैं इसलिए समर्थन है या विपक्ष आपको लगता है कि इतना मजबूत नहीं है? दोनों ही बातें हैं। अच्छा, फिरोजाबाद सीट पर क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? देखो इस 50-50 के चांसेस हैं उधर। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है? ये तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है, लेकिन पिछली बार अक्षय यादव हार गए थे यहाँ से, वो सिपाल की वजह से। तो अब की बार चाचा का पूरा समर्थन अखिलेश यादव को है, तो यहाँ से तो सीट आपकी समाजवादी पार्टी की है। अच्छा, यहाँ से सीट। अच्छा ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा कार्य? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका बेस्ट है। और सबसे अच्छा एक व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को एक वही चाहिए कि उसकी सुरक्षा हो, महिलाओं को एक सुरक्षा मिले, सबसे बढ़िया यही बात है। तो ये बताइए कि ये कहा जाता है कि अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ का नाम आता है कि प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाए, क्या लगता है, क्या आप सहमत हैं? अब ये जनता की बात थोड़ी है, ये तो जब जीत के जाएंगे ये तो उन लोगों का काम है, हम लोग आप समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक है? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, मेरा विषय थोड़ी है। तो आपको काबिलियत उनमें नजर आती है? यस, मेरा सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर उनका अच्छा है, बात बाकी तो जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सुरक्षा है उनके, मतलब उनके कार्यकाल में। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है इन चुनावों को लेकर, तमाम लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल? गोपाल चौहान। गोपाल चौहान जी, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? वही मोदी बन रहा है। और क्यों मोदी? मोदी बन रहा है, होगी मोदी। वोट समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे? अरे हम तो ठाकुर हैं तो उसी में वोट देंगे, चौहान ठाकुर तो उसी पार्टी में वोट देंगे ना। ऐसा कंफर्म है? हम तो अपनी पार्टी छोड़े कहीं जाएंगे ना भाई। हाँ, तो आपने जनता की राय सुनी है, तमाम और लोगों से यहाँ पर जो है जान लेते हैं कि आखिर उनका चुनावी माहौल क्या कहता है। आइए,
आर्यलाल। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी। मोदी, मोदी बनेगा। अच्छा क्यों? उन्होंने सब काम अच्छे किए। हाँ। बढ़िया, खुश हैं आप उनके कार्यकाल में? और बहुत बढ़िया खुश हैं हम तो उनके कार्यकाल में। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं मुख्य प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे वो नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे। तो ये बताइए कि फिरोजाबाद में कौन जीत रहा है? सपा का ये गढ़ कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है फिरोजाबाद। गढ़ जरूर है लेकिन जीतेगी बीजेपी। जीतेगी बीजेपी। तो ये बताइए बीजेपी के सांसद है, कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। बताइए कि आरोप लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी है क्या? अरे वो तो चलती रहती महंगाई रोजगारी तो। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा अंकल क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? राहुल गांधी बनेंगे या मोदी? मोदी। मोदी। क्यों मोदी? क्यों मोदी बनेंगे? सुविधा मिल रही सब चीजें की। तो राशन वगैरह सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भूखे मार दिए लोगों को, भुखमरी आ गई है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कोई नहीं भुखमरी मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं। सबको राशन मिल रहा है? सबको मिल रहा है, सबको सुविधा सब बढ़िया है। ये तो फिरोजाबाद के जो सिखोआबाद में हम हैं कहते हैं कि समाजवादियों का गढ़ है, क्या कहेंगे? बीजेपी जीत रही है या समाजवादी पार्टी जीत रही है? समाज में जीत रही है। और लोगों से जान लेते हैं कि आखिर उनका जो अनुभव है वो क्या कहता है, वो क्या मान रहे हैं इन चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र कुमार दुबे। अच्छा दुबे जी ये बता दीजिए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है 2024? मोदी जी। मोदी जी जी। इतने दावे के साथ? 100%। ऐसा क्यों है? उसके बाद कौन सी व्यवस्था है बताओ? मोदी के बाद कौन सी वो है? आप कह रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं? औचित्य नहीं और दूसरा कोई चेहरा नहीं है गांधी को? चेहरा नहीं मानते? नहीं ना ना। क्यों? अरे एक बात बताओ, परिस्थिति एक ऐसी होती है जीत तोड़ के काम करने वाला मोदी है, जीत तोड़। हाँ यानी आप उनके काम से प्रभावित? हाँ हाँ काम दिन रात मेहनत। 100%। हाँ 100%। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा है जिन्होंने इस तरीके की मेहनत की? नहीं 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 नहीं। तो फिरोजाबाद सीट पर क्या हाल है, कौन जीत रहा है, क्या वो फिरोजाबाद में लकड़ी भी खड़ी कर देंगे? वोट तो मोदी को मिल रहा है ना कि यहाँ के लोगों को मिलेगा? कैंडिडेट नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री। हाँ मोदी 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 को मिलेगा और किसी को दूसरे को नहीं मिलेगा। अब इससे पहले जो दो थे हमारे सांसद उनको देखा ही नहीं फिरोजाबाद वालों ने, तो फिरोजाबाद वालों ने नहीं देखा फिर भी मतलब मोदी का वहाँ चेहरा था। अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एक्शन बहुत अच्छा। और मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? रोक ठीक है ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से उनकी राय जो है वो ले लेते हैं, दरअसल इन चुनावों को लेकर वो क्या सोचते हैं। हमें भैया आशीष। आशीष ये बताइए चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? अब माहौल देख रहे थे समाजवादी का मालूम पड़ रहा है। समाजवादी का प्रधानमंत्री? समाजवादी का अखिलेश यादव को बना रहे हैं? अखिलेश का माहौल वही लग रहा है अब की बार। प्रधानमंत्री मोदी या अखिलेश यादव? वैसे मोदी रहेंगे, माहौल उनका ही ज्यादा समाजवादी का भी मालूम पड़ रहा है। फिरोजाबाद में समाजवादी का?